पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के मुंडा पांडे क्षेत्र के ग्रामीणों ने गांव में सड़क और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलने के चलते पोलियो टीम का विरोध करते हुए अपने बच्चों को पोलियो दवाई नहीं पिलाने दी और पूरे अभियान का बहिष्कार कर दिया। इन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गांव में सड़क नहीं बनेगी वो बच्चों को पोलियो की दवाई नहीं पिलाने देंगे। दरअसल मुंडा पांडे ब्लॉक के गांव भाईपुर के ग्रामीणों ने आज पोलियो अभियान का बहिष्कार करने का फैसला करते हुए पोलियो टीम को गांव में घुसने से पहले ही रोक लिया और अपने बच्चों को दवाई पिलाने से मना कर दिया। अचानक ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर पोलियो टीम सकपका गई और इसकी सूचना उनके द्वारा अपने अधिकारियों को दी गई। गांव के रास्ते कीचड़ भरे हैं, कच्चे होने के कारण अक्सर हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने आज जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कह दिया कि जब तक उनके गांव के रास्ते ठीक नहीं होंगे, पक्के नहीं बनेंगे, वो ऐसे ही अभियान को नहीं चलने देंगे। ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम प्रधान पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। जी हरदास, कौन सा गाँव ये? पैदुरिया। अच्छा, क्या कार्यक्रम था पोलियो पिलाने का, क्यों आपने विरोध कर रहे? देखिए, पोलियो पिलाने के लिए हमने यूँ रोका है, हमारे गांव में कोई रास्ता नहीं है, सब कीचड़ ही कीचड़ है, तमाम मच्छर कीड़ा मकोड़ा तमाम हो रहे हैं, बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, बड़ों में बीमारियां फैल रही हैं, पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए हमने पोलियो नहीं पिलाया। तो किसकी लापरवाही मानते हैं ये? किसकी लापरवाही? आप साहब, या प्रधान की हो या सरकार की हो, दोनों के हाथ में है ये चीज, चाहे प्रधान कराए या सरकार कराए। तो विरोध कर दिया कोई? बिल्कुल हाँ साहब, हम नहीं पिलान देंगे, हम बिल्कुल नहीं पिलान देंगे, बिल्कुल अड़े हुए हैं। जब तक हमारी समस्या पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग नहीं मानेंगे। तो कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक? कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने सुनी? प्रधान को कितनी बार बोला हमने, एक ट्राली मट्टी तक नहीं डलवाई उसने, हमने कहा आधा रोड़ा लाके डाल दो भाई, कितनी कीचड़ है। गाड़ी वाली आती है तो कैसे, किस तरह आती है गाड़ियां? अब वहीं पर खड़ी हो जाती है, सामान लाते हैं सरों पर रख के, कोई देख नहीं, कोई नहीं। मेरा नाम अमर सिंह यादव है। क्या परेशानी आ रही गांव में? गांव में परेशानी है, देखिए सर, आप आए हैं और रास्ता को देखा ही होगा तुमने, कितनी मतलब आपकी गाड़ी यहां तक आ पाई, आप बताइए हमको, आ पाई? नहीं आ पाई ना। तो फिर जब आपकी मोटरसाइकिल जैसी चीज़ नहीं आ पा रही यहां पे, तो समस्या को हम रात और दिन निकल रहे हैं यहां पे, तो हमारे लिए कितनी भारी समस्या होगी। ग्राम प्रधान में ऐसा तो है नहीं कि प्रधानी में पैसा नहीं आ रहा है, या कोई प्रधान अफजलपुर में जाके देखिए, एक एक गली देखिए आप कैसे कार्य करा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं कार्य करा रहा है? आज पोलियो का अभियान ये है कि हमारी रास्ता को मेन जो है ठीक कराया जाए, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ही तो मतलब बहिष्कार करा है हम सब लोगों ने, क्यों नहीं पोलियो नहीं पिलवा रहे हैं? क्या चाहते हैं? हमारे रास्ता ठीक कराया जाए, समस्या है देखो उसे, उसका तो निपटाया कराया जाए ना। कितनी बार आपने शिकायत की प्रधान? प्रधान से कम जब से 2 साल से बनाए, जब भी आता है 10 में 15 दिन महीने में घूमने के लिए आता है उससे, मतलब वैसे तो अलग शिकायत करी, उसे दिखाने के बावजूद भी नहीं सुन पा रहा है वो। वो आता है तो समस्या तो उसके सामने भी है, कीचड़ तो कोई एक दिन की तो है नहीं कि आज खत्म हो गई कल को नहीं है, ये तो हमेशा रहती है, ये तो पहले से ही दिख रही है। हम चाहते हैं कि रास्ता को सही कराया जाए और गांव का जैसे सरकार के द्वारा जो नियम है उसके अनुसार इसका विकास कराया जाए। सरकार जी, अम्मा क्या नाम आपका? वैसे ऊपर कागदर में तो मेरा राममूर्ति नाम है। राममूर्ति, आज दवाई अभियान चल रहा था पोलियो का, तो क्यों नहीं पिलाई दवाई, क्या वजह है? रास्ता ही वजह से ना पियाइए। क्यों, क्या परेशानी है? बालक रास्ता लिखन के लाइन आए, या परेशानी है, आपका परेशानी है? हमारे तो 2 फेरा घर गिर गया और जा रास्ता ही वजह से। गंदगी कितनी है यहाँ पे? थोड़ी गंदगी है, मेरे मच्छर निरो कीड़ा और बालकन को बीमारी और डंगन को, मेरी गाय बीमार है तमाम, और कोई नहीं आ रहा, कोई आ रहा हो प्रधान तो झाँके कोई ना चाहो, तो पोलियो का बहिष्कार कर दिया। हाँ, पोलियो ना पियान देंगे जब तक हमारा तबड़िया ना हो। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? हम आए किसी के पास यहाँ पे बूथ पे, फिर पता चला, लेकिन बूथ पे देखा पता चला घर वाले बच्चे भेजना रहे कि हमने जाएंगे बच्चे गिर जाएंगे, तो हम भी देखने आए, रास्ता बहुत ही खराब है, हम तो दूध का काम करते हैं। कितने लोग यहाँ गिरे होंगे लगभग? पता ना साहब, हम तो जब भी आते हैं ऐसी रास्ते मिलता है, अनाज लेने भी आते हैं, यहाँ डिपो भी है, तो ऐसे ही रहता रास्ता, गिरते हैं लोग। हाँ, अनाज लेने गिरते भी हैं और गाड़ियाँ उधर खड़ी करके जा रहे सर पर ले लेके जाते हैं। स्कूल बच्चे जाते हैं कैसे, किस तरह जाते हैं स्कूल बच्चे? ऐसे जाते हैं पेंट ऊपर कर करते, ये देखा हमने तो, कोई सुविधा नहीं भैया, पता नहीं रास्ता कब होगा ना होगा, भगवान के भरोसे है। तो